हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2023 है, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में जानेंगे कि जब आप डाटा एंट्री करते हो एक्सेल के माध्यम से, तो आप एक ही डाटा को दो बार जब एंट्री कर देते हो, जैसे रोल नंबर है, ऐसे कुछ डाटा होते हैं जो हर एक पर्सन का यूनिक होता है। जैसे यहाँ आप देखते हैं, फॉर्मेट हमने बना रखा है पहले से। ये फॉर्मेट है सीरियल नंबर का, स्टूडेंट्स नेम का, रोल नंबर का, आधार नंबर का, मोबाइल नंबर का, पैन कार्ड का और बैंक अकाउंट का। जब ऐसे इस तरह कोई डाटा जब आप फीड करते हैं, तो ये नाम एक हो सकता है, यही नाम आपका दोबारा यहाँ हो सकता है, बट ये रोल नंबर यहाँ दोबारा नहीं होगा। क्योंकि कॉलेज का अगर रोल नंबर है तो एक ही नाम का दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट उनके रोल नंबर यूनिक होंगे। आधार नंबर पूरे कंट्री में, पूरे हमारे इंडिया कंट्री में 125 करोड़ की आबादी के बाद होने के बावजूद भी हर एक का आधार नंबर अलग अलग होगा। मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल में दो सिम है, दोनों का नंबर अलग होगा। पैन कार्ड है, जितने भी पैन कार्ड बने हैं कंट्री में, सबका पैन कार्ड अलग होगा। बैंक है, कोई बैंक हो, चाहे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जितने भी बैंक है, सबका एक ही बैंक में अकाउंट होते हुए भी सबका अकाउंट नंबर अलग अलग होता है। या दूसरे बैंक, SBI है, UBI है, कोई भी बैंक है, किसी का भी खाता संख्या एक नहीं होगा। तो इसको फीड करते समय प्रॉब्लम, गलतियां क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बंसराज पटेल है, इनका रोल नंबर है 21236799। तो जब इसको हम फीड करेंगे तो यहाँ पे 21236799 है, 3 है, तो हमने यहाँ 3 कर दिया। ये सही है, ये ऐसा है, बट हो सकता है जब विनीत राज का रोल नंबर आप करो तो फिर ये 21 है, ये 23 है, ये 67 है, फिर 99 है। यहाँ आपको जनरली 0 लगाना था, लेकिन आपने गलती से 1 लगा दिया और करके आप आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पे आप दूसरा रोल नंबर भरना शुरू कर दिए और रोल नंबर आपने भर दिया और डाटा आपका फीड भी हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने गलती हो गया हमसे एक, कि ये जो नाम है, ये जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर दो बार हो गया, लेकिन ये सिस्टम हमको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये दो बार हो गया, यहाँ आपका दो बार हो गया। इसी तरह से आधार नंबर है, आप फीड करते समय कोई ना कोई डिजिट कहीं मिसमैच कर जाएगी और ये डाटा एंट्री गलत हो जाएगी। इसको बचने के लिए, इसे और एक्यूरेसी बनाने के लिए एक्सेल ने हमें एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन टूल्स दिया हुआ है, जिसका यूज करके हम इसको पता लगा लेंगे कि ये डाटा पहले से फीड किया हुआ है, दोबारा फीड किया जा रहा है। तो इसको गाइस हम लोग पहले मिटा देते हैं पूरा डाटा को, और फिर से यहाँ आते हैं करना क्या है आपको। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे पहले जब आपका पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, उस फॉर्मेट को जिसको आपको डुप्लीकेसी नहीं, जैसे नाम है, ये नाम दोबारा हो सकता है, आप यहाँ बंसराज नाम दोबारा दे सकते हो, बट रोल नंबर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वो जो पर्सन होगा इसी कॉलेज में, ये दूसरा पर्सन होगा, ये दूसरा पर्सन होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए जिसको हमको यूनिक रखना है, जो एक दूसरे से अलग हो, डुप्लीकेटी ना हो, उसको उस पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि इसमें डुप्लीकेसी हो सकती है, और तो उसको पूरे एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप होम मेनू में जाएंगे, होम मेनू में आपको मिलेगा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ देख रहे हैं, जहाँ माउस ब्लिंक कर रहा है हमारा रेडविज थोड़ा हो जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको ये देगा, पहला ऑप्शन है हाईलाइट, हाईलाइट्स रूल से लिखा हुआ हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे, इसके सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिखा है डुप्लीकेट वैल्यू, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर फिर मोर वैल्यू है, वहाँ नहीं जाना है आपको, लास्ट एक ऊपर रखना है जिसको डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो देगा जिसमें लिखा है डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें आपको इस पोजिशन जहाँ पर डुप्लीकेट है इसको डुप्लीकेट रहने देना है, अगर हो सकता है यूनिक होगा तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा। और फिर जब हम डुप्लीकेट करेंगे तो डाटा किस कलर में दिखेगा, अगर मान लीजिए इसको हमने दोबारा यहाँ फीड किया तो किस कलर में दिखेगा, वो आपको इंडिकेट किस कैसे पता चलेगा कि ये दोबारा हुआ। तो यहाँ दिया हुआ है लाइट रेड फिल विथ द डार्क रेड टेक्स्ट, जो आपका जब उसको हम दोबारा डुप्लीकेट भरेंगे ना यहाँ पे, तो ये आपको इसी फॉर्मेट में शो करेगा। तो ये आपको और भी है, कई सारे इसमें फॉर्मेट है जिसको आप जा करके चेंज भी कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट है, खुद अपना बना सकते हैं। चलो इसमें से हम लोग पहला है इसी को ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं, फिर इसको ओके कर लेते हैं, सिंपल ओके कर लिया। अब हम डाटा फीड करना शुरू करेंगे, यहाँ पर 21 किया, फिर 23 किया, फिर यहाँ पर 67 किया, फिर 99 है, देन हम उसका 2 है तो 2 कर लिया। अब फिर हम इसको
21 है, 23 है, और फिर जो 67 है, 67 है, 99 है, और यहाँ पे हम लोग 1 के फिर दोबारा से 1 कर दिया। जैसे हम लोग 1 करके एंटर करेंगे, देखिए इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट है ना कि ये डाटा पहले से है, और जब वही डाटा हम इसको भर रहे तो ये शो नहीं कर रहा था। क्लियर है ये? तो ऐसे प्रॉब्लम को बचने के लिए, जैसे यहाँ हो गया आपका पैन नंबर है, यहाँ पैन नंबर आप इसको भरते समय काया कर लो, फिर भी आप भर देते हो, आप गलती से बी पी कर दिया आपने, और यहाँ पे 56 है, 56 दिया, ए किया आपने, फिर जैसे आप 789 करेंगे तुरंत इंडिकेट करेगा कि ये डाटा आपका पहले से था और आपने उसको फिर भर दिया। मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर इसका फिट करो 9004871968। जैसे यहाँ पर हम लोग 67 करेंगे, देखेंगे कोई गलती नहीं है, जैसे लेकिन यहाँ तुरंत आकर के आपने किसी भी फिट करते समय यहाँ पे 68 कर दिया, वही सेम है, तुरंत ही इंडिकेट करेगा ये मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पे है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हाँ जी इसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ गलतियाँ की है, इस डाटा को हमने फिट किया हुआ है। तो ऐसे आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ये प्रॉब्लम, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, नॉलेजफुल लगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।